हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर क्लासिक गर्ल। सो गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ थोड़ी सी यूनिक सी चीज़ जो मैंने खुद बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। और गाइस, ये बहुत ही प्योर है, इसमें एक भी % केमिकल नहीं यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसको मैंने खुद अपने हाथों से वॉश करके इसको खुद मैंने अच्छे से पीसा है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐड होंगे, मैं आपको बता दूं। और ये मेरा प्रोडक्ट है, आपको मार्केट में ये प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। यस गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो बेल है उसको हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आप तक आसानी से पहुँच जाएगी, बिल्कुल भी आपको कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये है प्रोडक्ट जो मेरा प्रोडक्ट है, इस पर आप देख रहे होंगे लिखा होगा सुपर ग्लॉसी गर्ल। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है। इसका जो प्राइस होगा मैं आगे बता दूंगी क्या होगा। ये बहुत छोटा सा ही मैंने बनाया है, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहती कि कोई बाय करना चाहे, और बहुत ज़्यादा अगर मैं इसका अमाउंट रख दूंगी तो नहीं बाय कर पाएंगे, और अगर जब बाय नहीं करेंगे तो फिर ट्राई कैसे करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे, यूज़ कैसे होता है मैं आपको दिखाऊँगी। बट गाइस, ये किस लिए है, लड़का यूज़ कर सकता है, लड़कियाँ यूज़ कर सकती हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। आप चाहे तो अगर छोटा सा बेबी हो वो भी यूज़ कर सकते हैं उसको भी, बट वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो थोड़ा सा पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी यूज़ करेगा, कुछ कुछ इंग्रेडिएंट इसमें ऐसे ऐड होते हैं जो क्या पता मुझे सूट कर रहे हो आपको ना करे, तो पैच टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपके फेस पे टैनिंग है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, स्किन है थोड़ा सा पिंपल ज़्यादा हो गए हैं, अगर आपकी स्किन पे कोई भी मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम हुई है, मेकअप यूज़ करते हैं तो आपके स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर आपकी शादी होने वाली है, या फिर आपको कहीं पार्टी में जाना है, या फिर आप घर पर फेशियल करना पसंद करते हैं और बाहर पर फेशियल नहीं कर पाते क्योंकि जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि बाहर के केमिकल क्यों मैं यूज़ करूँ, या बाहर के जो फेशियल्स होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आप लोग के लिए बनाया है, सिर्फ आप लोग के लिए। ठीक है, अगर आप, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है फेस एंड बॉडी पाउडर। अगर आपको फेस पे यूज़ करना है यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और 100% नेचुरल। ठीक है, तो गैस मैं बता दूं, मैंने अपने लिए ये बनाया जो मैं यूज़ करती हूँ, इस जार में रखा हुआ है, और आप लोग के लिए ये है। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, या मुझे DM कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं मुझसे, और अगर आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। तो गैस, जिस चीज़ में आप कम्फर्टेबल हैं उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ये बाय कर सकते हैं। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी गैस नहीं अवेलेबल है, और मैं बता दूँ आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, और आपको एड्रेस बताने पड़ेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग है। सी, और आप चाहें तो इसे मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे भी, तो उस पर अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इंस्टा पे, तो आप इस आईडी पे अगर फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे डायरेक्ट यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, है ना। इसे कैसे यूज़ होता है, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है मैं बता दूं, तो आप इसमें नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसमें मिल्क यूज़ कर सकते हैं, रॉ मिल्क यूज़ कर सकते हैं, या मलाई यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं। और इसमें एक और वेरिएंट आते हैं, ये सिंपल वाला है, एक वेरिएंट आएगा जिसमें आपको केसर मिलेगा, केसर वाले फ्लेवर होंगे, तो अगर आपकी शादी वादी होने वाली है कुछ ऐसा कुछ है तो आप वो बाय कर सकते हैं। इस मतलब ऐसे ही सेम बॉक्स में होगा, वो दूसरे बॉक्स में रखा है, वो अभी मैं लेकर नहीं बैठी हूँ, सेम चीज़ है, कुछ भी उसमें नहीं एक्स्ट्रा लिखा होगा। तो ये प्यारा सा है, इसका जो प्राइस है गाइस वो है 199 रुपीज़, और आपको इस बॉक्स में मिलेगा, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, सही, कोई भी स्पॉन्सर्ड में क्या ही बोलूँ जो मैं, मेरा खुद का प्रोडक्ट है गाइस, इसमें देख रहे हैं अब ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, तो ऐसे बहुत सारे आपको नए नए मिल जाएंगे। मुझे ऐसे खुद से यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैंने खुद की पैकेजिंग बनाई हुई है, तो ये मैंने बनाया है, आई होप आप लोग को अच्छा लगे। तो इसे यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी, और इसका मैं शॉर्ट्स भी बना दे रही हूँ, ताकि आपको बहुत लंबी वीडियो बोर करती हो तो आप शॉर्ट्स में जल्दी से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो बना दूँगी, आप वो देख लीजिएगा, और इसको कैसे यूज़ करते हैं आगे आने वाले टाइम में आप देख लेंगे।
कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, यही देख लेंगे, बहुत ही अमेजिंग है। और मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, अब देखिए आप बाय कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो गाइस इस पाउडर की बात मैं बता दूँ, मैं आपको दिखा भी दूँ ये पाउडर होता कैसे है, ठीक है। सी गाइस, इसमें आप देख रहे होंगे थोड़ा सा सी है ना, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐड है जो सारे नेचुरल है। और इसकी गाइस स्मेल बहुत अच्छी आती है, ट्रस्ट मी गाइस, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। और ये थोड़ा सा ना दर्दरा है, आप इसको स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्मेल आएगी। मैं स्मेल तो आपको नहीं सुंघा सकती इस पर, बट हाँ आप इसे यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सी ये जार में मैंने भर लिया है, मैं इसे यूज़ करती हूँ और इसमें डाल के यूज़ करती हूँ। आपको जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका रिज़ल्ट कैसा रहा अगर आप बाय करते हैं और यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे टैग भी कर सकते हैं सुपर ग्लॉसी गर्ल पे, तो वहाँ पे भी टैग कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लगा था। ठीक है, इस बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा गंदा रहा और धूप भी चली गई है, तो कोई बात नहीं, चले तो अभी मैं सबसे पहले बैंड लगाऊँगी। बहुत गंदा सा व्यू आ रहा है बैकग्राउंड, क्या करूँ, चले कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाते हैं, ठीक है। तो मैं ये लगाती हूँ बैंड। सो सबसे पहले मैं क्लीन कर ले रही हूँ अपने फेस को, क्योंकि बिना क्लीन किए बिना फेस वॉश किए अब कोई भी पैक मत लगाया करें। तो ये मैंने यूज़ किया है, ये मैंने लोकल किसी मार्ट से लिया था, मुझे याद भी नहीं है, मैं ग्रॉसरी का यू नो रोज़मर्रा का घर गृहस्थी वाला सामान लेने गई थी तो मैंने ये लिया। अच्छे से इसको क्लीन कर दे रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं बहुत ज़्यादा ना डरती हूँ चीज़ें लगाते टाइम, बट क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट है गाइज। और ये मैं बता दूँ, मुझे करीब 3 साल हो गए होंगे, आई थिंक 3 से 4 साल हो गए होंगे इसको लगाते हुए, मैं डेली लगाती हूँ। तो यस गाइज बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही वाव है। तो ये मैं अच्छे से क्लीन करके फेस वॉश करके फिर आती हूँ, ओके। ठीक है गाइज, तो मैंने वॉश कर ली इसको अच्छे से, मैं पोंछ लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। एंड देन उसके बाद मैं ये कटोरी लेती हूँ, क्या गाइज मेरे पास बहुत वाव वाली कटोरी इस टाइम नहीं है, बट ये चल जाएगा। ये प्रोडक्ट है, उसमें एक्चुअली ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक। मैं उसमें से लूँगी। गाइज आप कोई सी भी स्किन हो पेस्ट ज़रूर कीजिएगा, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें तो वाव है, ठीक है। मैंने 1 स्पून लिया, इसके बाद मैं बंद कर दे रही हूँ, कुछ भी नहीं करना है गाइज। आप चाहे तो डायरेक्ट इसमें सिर्फ पानी ऐड कर सकते हैं, पानी ऐड करके डायरेक्ट लगा सकते हैं, कुछ आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐड करती हूँ, और ऐसे सेम जो मेरा दूसरा वाला है वो है केसर वाला, तो अगर केसर वाला आपको करना है तो उसमें भी डायरेक्ट। तो यहाँ मैंने लिया पिंच ऑफ टर्मरिक, थोड़ी सी हल्दी गाइज है ना, क्योंकि मैं हल्दी लगाती हूँ थोड़ा सा। तो आप चाहे तो हल्दी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन है आपकी स्किन, तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है आप पे आपको क्या ऐड करना है। और गाइस ये मैं ऐड कर रही हूँ बहुत ही, मैंने घर पे इसको भी घर पे ही बनाया, ये है आलमंड पाउडर, आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं स्किप कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं कि आप इसको ऐड करें। ये तो मैंने अभी कल बनाया था तो मैंने आज अभी कर लिया, तो ये मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ, बस ऐसे ही ऐड किया, बाकी मैं नहीं लगाती कुछ ऐड करके, मैं सिंपल ही लगा लेती हूँ, कभी मूड के ऊपर है, कभी मैंने मिल्क यूज़ कर लेती हूँ, कभी वॉम वाटर, या फिर कभी हनी, कभी कुछ, तो ऐसे करके यूज़ कर सकती हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है वही यूज़ किया, अदरवाइज़ कुछ मत कीजिएगा, फालतू का नया नहीं मत कीजिएगा जो सूट करता है वो। तो फिर यहाँ मैं थोड़ा सा लूँगी वाटर, आप चाहे तो रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, 1 टी स्पून 2 टी स्पून, एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये ना गाइज। मुझे नहीं पता मैं लगाने के बाद दिखा भी पाऊँगी कुछ कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइटिंग जो है वो बहुत हल्की हो गई है। तो गाइज सी ऐसा कुछ पेस्ट बन जाएगा, है ना,
तो अब इसको अच्छे से लगाएंगे। मैं तो स्पून से ही लगा ले रही हूँ, लगाती तो खैर हाथ से हूँ, बट ट्राई, बट थोड़ा सा मैं स्टाइल के लिए लगा ले रही हूँ गाइस। वैसे स्टाइल वेस्ट है, मैं हाथ से ही लगाती हूँ गाइस, ज़्यादा स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मारती हूँ ना तो फिर ख़राबी हो जाना है इसको, हाथ से लगाओ बेस्ट है। अगर मेरे पास टाइम, अगर धूप रही गाइस, धूप क्या, अगर थोड़ी बहुत लाइट रही तो मैं यही बना दूंगी, अदरवाइज मैं रूम में बना दूंगी, क्योंकि यहाँ पे फिर इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं। 15 मिनट्स रख सकते हैं, 30 मिनट्स रख सकते हैं, 20 मिनट्स रख सकते हैं, 5 मिनट्स भी रख सकते हैं, तो यस गाइस आपके ऊपर डिपेंड। मैं तो आपको रिकमेंड यही कहूँगी 30 मिनट्स रखें, तभी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दिखेगा गाइस। अब इसको सूखने के बाद मिलता है। गाइस मैंने कर लिया है वॉश, अब थोड़ा सा पोंछ लूँगी। सिर्फ ये मैंने, आई थिंक मैंने पूरा टाइम रखा नहीं 30 मिनट, क्योंकि जो लाइटिंग है वो थोड़ी सी कम हो रही थी ना, इसलिए मुझे आपको दिखाना था। अदरवाइज उसको आप 30 मिनट्स रखेंगे बहुत अच्छा है, वरना आपको फिर भी ग्लो मिलना ही मिलना है आपको किसी भी तरह। बट हाँ, अगर आप डेली लगाएंगे, डेली से यूज़ करेंगे, फिर तो कहते हैं ना सोने पर सुहागा वाला काम हो जाएगा। कुछ नहीं सी, तो गाइस जितना भी दिखाओगे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत शाइनी कर रहा है ये। अपना प्रोडक्ट है इसलिए नहीं, मैं इतने सालों से ये यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, इसीलिए मैंने बनाया कि जो लोग बहुत परेशान होते हैं ना वो परेशान ना हो, क्योंकि मैं भी पहले बहुत परेशान होती थी, मैं क्या यूज़ करूँ, केमिकल यूज़ करूँ। केमिकल आप कितना भी यूज़ करेंगे ना, वो जो कहते हैं ना, वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो डेफ़िनेटली आप ज़रूर इसको बाय करें, और आई होप आप लोग को ये प्रोडक्ट अच्छा लगे, ताकि मैं और भी प्रोडक्ट लेकर आऊं। बट ये मेरी स्टार्टअप है, मेरा स्टार्टिंग, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा इस, ट्रस्ट में एक बार ट्रस्ट करके देखें, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बट हाँ, पैच टेस्ट गाइस ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपकी स्किन में कुछ कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो नहीं अगर आपको सूट किए, तो फिर वो प्रोडक्ट नहीं सूट करेगा। तो यस गाइस, पैच टेस्ट ज़रूर किया जाएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है।